देवरिया जिले के बरहज विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी का बड़ा बयान। जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन का दौर चल रहा है, वहीं अपने बयानों और वायरल ऑडियो वीडियो को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले देवरिया जिले के बरहज विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी का एक और विवादित वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह एक विशेष समुदाय के दुकानदारों को निशाना बनाते हुए दिख रहे हैं। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों से सब्जी या अन्य सामान न खरीदे। वीडियो वायरल होने के पश्चात सत्ता में आए विधायक जी ने सफाई भी दी। उत्तर प्रदेश देवरिया से अमित राजपाल की रिपोर्ट। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियां के यहाँ से सब्जी नहीं लेगा। अरे छोड़ा यार। विधायक जी, लॉकडाउन की स्थिति है इस समय और एक आपका एक वीडियो वायरल हुआ है कम्युनल भाषा में, क्या है पूरा वो नगर पालिका बरहज का वीडियो बताया जा रहा है, इसमें आप कह रहे हैं मियां सब्जी ना खरीदें, क्या कहना है इस पे आपका? कहना एक 17-18 तारीख के लगभग हम अपने क्षेत्र में गए थे, क्षेत्र में जाके नगर पालिका में गए, नगर पालिका में कुछ 10-12 लोग थे, बातचीत होने लगा इसी पर लॉकडाउन के ऊपर। तो हमारे पास समस्या आई जनता का कि सर ये लोग जो सब्जी वब्जी बेच रहे हैं मियां लोग, वो थूक लगा दे रहे हैं, थूक दे रहे हैं और ऐसा बेचते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो दूसरा उसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक है कि आप उन लोगों से सब्जी मत लो, सब्जी नहीं खरीदेंगे अपने हाथ में है तो आप कोरोना से बचेंगे, यही मैंने कहा। और इसको वायरल लोग करके बड़ा बना रहे हैं। जब जनता मेरे से पूछ रही है कि क्या किया जाए, तो क्या बोले एक विधायक, क्या बोले, वही अपने हाथ में है कि भाई उनसे सब्जी मत लो। ये मैं कोई गलत कहा मैंने, आप बताइए। इसी को इतना बड़ा बवाला बना रहे हैं लोग। और ओबीसी हिंदुओं को इतने टॉर्चर गाली देते, क्या क्या बोलते हैं, उस पर कोई विचार नहीं करता है। और एक विधायक अपने जनता को खाली बोल दिया कि उन लोगों से सब्जी मत लो, तो इस बात पर इतना बड़ा बवाला, कहाँ बवाला, मैंने क्या बोला और मुझे क्या बोलना चाहिए।